हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। वो सब लोग जिनके पास ऑलरेडी ECHS कार्ड बना हुआ है, वो अपना ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें फ्यूचर रिटायरीज, टेम्परेरी स्लिप ऑर्डर, ओल्ड कार्ड होल्डर, जिनके पास पुराना कार्ड पड़ा था उनको भी अब नया ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन बनवाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको पहले नहीं मिलते। जो प्री 1996 रिटायरी हैं, जो उसके बाद से जो है लॉस ऑफ कार्ड, हर किसी का कार्ड गुम हो गया, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास टेम्परेरी स्लिप है तो आप किस तरीके से जो है अपना ECHS कार्ड का अप्लाई कर सकते हो। देखो, प्रोसेस सबके लिए सेम है, सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो हर केस में आपको भरना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि आपको जो है अपना सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपका मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्स सर्विसमैन नेम, फिर प्रीफिक्स, सर्विस नंबर, सफिक्स, उसके बाद से जो है आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं जिससे कि अगर आप अपना पासवर्ड लॉस कर जाते हो तो इसके बेस पे आपको जो है आपका पासवर्ड मिल सकता है। ये दो क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू जो कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि आप ही जानते हो, इसके थ्रू जो है आप अपना रिकवर कर सकते हो। तो ये पहला जो स्टेप है ये सबके लिए है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि टेम्परेरी स्लिप होल्डर्स, उनको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेम, सर्विस नंबर आपने डालना है उसमें। जब ये पहला स्टेप आपका, जो ये फर्स्ट स्टेप है, जब आप फिल करते हो तो आपके मोबाइल पे और आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, उस OTP को आपने जो है वेरीफाई करना है। एक बार आप वेरीफाई कर लेते हो तो ये वेबसाइट ये मान लेती है कि आप एक्चुअल यूज़र हो। उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, अगर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जो कि मैंने भी आपको ऑप्शंस बताए कि फ्यूचर रिटायरी का, टेम्परेरी स्लिप होल्डर्स का, लॉस ऑफ कार्ड का, या जो कि 1996 से प्री रिटायर है, उसमें से जो है आपने क्या करना, अपनी पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आप उसमें डिपेंडेंट्स ऐड कर सकते हैं, डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट रिलेशनशिप, डिपेंडेंट डेट ऑफ बर्थ, डिपेंडेंट मंथली इनकम, डिपेंडेंट मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे चीज़ें जो है अपना आपने इस वाले टैब में, जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो आपको टैब आएगा टेम्परेरी स्लिप होल्डर्स, उसमें आपने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एक बार आपकी जो है ये स्टेप कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद से आपको जो टेम्परेरी स्लिप होल्डर में जो तीसरा है वो डिटेल्ड एप्लीकेशन, उसमें क्या करना है, आपने फ़ोटो टैब आती है उसमें आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ कमीशन क्या थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी, टाइप ऑफ सर्विस सारी फिल करना है। फिर सिग्नेचर टैब में जाके आपने एक साइन करना है, उसकी फ़ोटो लेके उसको अपलोड करना है। अगर आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट की है तो आपने वहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज शो करना है। फिर आपने अपना करने के बाद से फैमिली पेंशनर है उसकी फ़ोटो, उसका सिग्नेचर और उनकी डिटेल्स, जो भी फैमिली पेंशनर होगा। उसके बाद से अपना एड्रेस, करेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपने दोनों डालना है, और जो आपके पास स्लिप नंबर है वो आपने उसकी कॉपी अटैच करनी है। ये आप इसमें क्या करना है, आपने अपनी डिटेल्स, फैमिली पेंशनर की डिटेल्स और जो आपके पास टेम्परेरी स्लिप है जिसके बेस पे आप जो है ये ऑनलाइन ECHS कार्ड के अप्लाई कर रहे हैं वो आपने डालना है। उसके बाद से जो अलग कॉलम आता है उसमें क्या आता है कि आप जो है डिपेंडेंट्स के बारे में कि इस फैसिलिटी को कौन कौन से डिपेंडेंट जो आपके डिपेंडेंट है वो कर सकते हैं, और उसके बाद से क्या आता है कि इसके साथ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो चाहिए, PPO की कॉपी चाहिए, डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ओल्ड टेम्पररी स्लिप कॉपी चाहिए,
और जब ये सारा कुछ हो जाता है, जब आप करने के बाद फिर फाइनल आपने पेमेंट करनी होती है, पेमेंट भी ऑनलाइन करनी है, और आपको जो है 177 का जो है पेमेंट करनी है ऑनलाइन। और एक बार ये सारा हो जाता तो आपका जो है किसी ऑफिस ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन हो जाता है। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस स्टेटस पे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।